उसमें मतलब क्या आप लोगों को पता है क्या कारण था, क्या वजह? हमें इतना पता है कि दिल्ली गया है, बस इतना पता है, बस इतना पता है। सामित लो भाई, सामित, बस आपको दिल्ली गए थे इतना पता है? हाँ इतना पता। क्यों जाएंगे, क्या कारण है, कुछ बता? नहीं, ये इस बारे में कोई जानकारी नहीं। हम तो ये समझते थे कि शायद इसका कोई दोस्त होगा, वो बुलाता होगा। अच्छा। हाँ, और कोई जानकारी नहीं। सागर की उम्र क्या है? उम्र होगी 25 साल तो होगी। उसने पढ़ाई क्या कर रखी है? पढ़ाई 10वीं तक करी थी। 10वीं तक? हाँ। किस विषय में जी? कौन सा विषय, विषय क्या था ये तो माँ बाप को मालूम है। सागर के माता पिता का नाम क्या है? रोशन शर्मा पिता है और रानी शर्मा उनकी माँ है। वो क्या करते हैं? कारपेंटर का काम करते हैं। कारपेंटर का जी। तो क्या सागर रोजगार को लेके परेशान था, क्या बजाती कुछ बताया? ये अंदर की बात तो नहीं हम बता सकते। नहीं, वैसे तो कोई ऐसा तो हमने देखा नहीं, गाड़ी चलाता था। आपकी कोई परेशानी कभी उसे साझा की हो, कोई परेशानी थी? नहीं, हम कोई आप उसके नाना हैं जी। अच्छा, तो सागर आज दिल्ली गया है, बस आपको ये पता है? हाँ, ये बस इतना मालूम, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता आपको? ना। तो अब सागर से संपर्क करने बारे में आपको कुछ पता चला, दिल्ली में क्या हुआ है आज? दिल्ली आप लोग आए तब ये हमें जानकारी मिली। वैसे आपको कुछ नहीं पता? कुछ नहीं पता। तो सागर आप लोग के साथ ही रहता था? नहीं, वो अलग रहते, हम अलग रहते किराए। अच्छा, सागर कहाँ रहता है? लखनऊ में अपने माँ बाप के साथ रहता है। उसका घर कहाँ है? घर बाहर है अभी तो, सब फोटो वोटो सब लिया है। वही घर है, मतलब यहीं पे रहते हैं आप लोग? आस पड़ोस में ही रहते हैं, कोई दूर नहीं रहते? रोज मुलाकात होती है? रोज नहीं हो पाती है, रोज नहीं होती। अब मान लो गाड़ी चलाने वाला कहीं रात में आ रहा, कई दिन हम बुढ़े आदमी हम अपने पढ़ के सो जाते हैं। तो सागर अभी क्या कर रहा था यहाँ पे, मतलब पढ़ाई कर रहा था? चलाता था बेकरी वाला, रिक्शा चलाता था। कहाँ पर? यही मोहल्ले का कोई रिक्शा है। अच्छा। वो भाड़े पे? अच्छा, भाड़े में ई रिक्शा था या उसका कैसा था पैदल? नहीं, रिक्शा किराए पे, ये भाड़ा देता था उसको और अपना सरपंच से कमा लेता होगा। अच्छा अच्छा, तो फिर मतलब यही, मतलब इतना ही आप लोग करते थे भैया? सागर शर्मा, जिसने आज पूरा तहलका मचा दिया है, संसद भवन पर कूदकर हमला करके, उसके हम लोग घर पे मौजूद है जो कि रामनगर आलमबाग में मौजूद है लखनऊ के, और इसके नाना से हमने बात की। नाना का कहना ये है कि सागर रिक्शा चलाता था यहाँ पर और 10वीं तक उसने पढ़ाई कर रखी है, और उनको ये नहीं पता था कि आज वो दिल्ली किस वजह से गया था, लेकिन उसको उनको इतना पता था कि अपने दोस्तों के साथ दिल्ली गया है। और उन्होंने ये भी बताया है साथ में कि ये लोग आस पास में ही रहते थे, नाना नानी साइड पे रहते थे दूसरे साइड पे, और उसके माता पिता और सागर, जो सागर शर्मा है वो सामने वाले घर पे रहते थे, लेकिन उनको एक बार भी नहीं पता था कि आज सागर वहाँ दिल्ली क्या करने गया है। उन्हें बस इतना पता था कि सागर वहाँ पे अपने दोस्त के साथ गया है। तो इस वक्त हम लोग सागर के घर पे मौजूद है, आप देख सकते हैं बहुत भीड़ जमा है, पुलिस भी आके गई है, पूछताछ करके गई है, जानकारी ले जा चुकी है, और ऑलमोस्ट यहाँ की पूरी रिपोर्ट बन चुकी है। इस वक्त इस घर पे जो है नाना नानी मौजूद है, उसके अलावा यहाँ के उनके मामा मौजूद है, लेकिन मामा बात करने से पीछे हट रहे हैं। नाना ने बात की है और ये भी बताया है कि सागर बेरोजगार था और रिक्शा चलाता था, 10वीं पढ़ाई कर रखी है उसने, और इसके अलावा उन्होंने कोई भी जानकारी उन्होंने नहीं है। तो ऐसी और जानकारी जुड़ी मेरे साथ में लखनऊ संजीव संघ राजपूत, लुबेटिन।